हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट टेक। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, यानी ऑनलाइन कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। और मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमेजोन के कस्टमर है, अमेजोन से चीज़ें वगैरह मंगवाते हैं। और बिलीव मी, मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आज जिससे आप चीज़ों को कम प्राइस पर खरीद सकते हो अमेजोन से, ठीक है। और हवा में बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने किसी चीज़ को कम प्राइस पर खरीदा, ओके। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को है ना ऐसा लगता है कि अमेज़ॉन क्या करता है कि जो फेस्टिवल सीज़न आते हैं उसमें चीज़ों के प्राइस जो हैं वो एकदम से कम हो जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ों के प्राइस जनरली कम होते हैं, बट एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिस पे सिर्फ दिखा दिया जाता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, वो एक्चुअल में प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर उस पर 20% ऑफ देते हैं। यानी फेस्टिवल सीज़न और नॉर्मल सीज़न में ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं होता। तो कभी भी ये देखकर मत लेना किसी चीज़ को कि वो कितना परसेंट ऑफ है, 30% ऑफ है, 20% ऑफ है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसे मेरे को ये चीज़ पता चली, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट जो आज हम चीज़ करने वाले हैं, बेसिकली ये प्राइस वगैरह का जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए या टैब होना चाहिए। आप नॉर्मल फ़ोन से नहीं कर सकते ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम गूगल क्रोम पे जाएंगे तो एक एक्सटेंशन करना पड़ेगा हमको। तो एक्सटेंशन के लिए आपके पास पीसी वगैरह या डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। और अगर ना भी होना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ्रेंड के साथ, मतलब फ्रेंड के घर पे जाके, आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आपको 5 मिनट का काम है बस, ठीक है। और उसको भी बताओगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल रह जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो अभी मैं जो भी चीज़ है वो आपको समझाने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलो जी, आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने अपने लैपटॉप के अंदर अमेज़ॉन खोल रखा है, ठीक है। और अमेज़ॉन के अंदर भी मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए टाइमएक्स की मेंस वॉच मतलब खोल रखी है, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको दिख रहा है इसका MRP जो है वो ऑलमोस्ट 1600 रुपये है, और डील ऑफ द डे दिखा रखा है कि आपको 1200 रुपये में दे देंगे, ठीक है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो लिख रखा होता है डील ऑफ द डे, इतने परसेंट ऑफ, इतनी परसेंट ऑफ, ये सिर्फ दिखाने के लिए लिख रखा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अभी अगर आपको घड़ी चाहिए और आप ख़रीदना चाहते हो टाइमएक्स की वॉच, तो आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये जो 1200 रुपये इसका एवरेज प्राइस है। आपको पता है अमेज़ॉन पे चीज़ों का प्राइस बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि 1200 रुपये या 1150 से लेकर 1200 के बीच में इसका एवरेज प्राइस है। आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो, और अगर आप वेट कर सकते हो तो अक्टूबर तक का वेट कर लो। अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही इसका प्राइस जो है वो 1000 से नीचे जा सकता है। तो आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, और मैं बिल्कुल कंफर्म बोल रहा हूँ कि इसका प्राइस जो है ये 1200 रुपये एवरेज प्राइस है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 1200 रुपये इसका एवरेज प्राइस है, ये प्राइस जो है वो बिल्कुल एवरेज है, और ये कैसे पता है कि अक्टूबर में इसका प्राइस कैसे कम होता है, यही तो बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। अब पहले तो आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे, अब जो मैं चीज़ दिखाऊंगा ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे फेक है ना, तो पहले सुनो, ध्यान से देख सकते हो URL एकदम ओरिजिनल है, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, ओके। बट आप अगर अपने अमेज़ॉन यानी लैपटॉप की, और मैंने बताया ना कि लैपटॉप और PC की ज़रूरत पड़ती है, उसी में खोलना है आपको। आप जब अपने लैपटॉप में या PC में अमेज़ॉन वगैरह खोलते हो ना, तो आपका इंटरफेस ऐसा ही आता होगा। बट मैं अगर थोड़ा सा नीचे आऊँ ना, तो ये मेरे को एक दिखा रखा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये आपके लैपटॉप में, आपके PC में आपको नहीं दिखेगा। और ये है क्या, ये बेसिकली प्राइस वगैरह बताता है। ये बताता है कि कोई भी चीज़ जो आप ख़रीद रहे हो, जैसे इसमें टाइमएक्स की वॉच है, उसका URL मैंने खोल रखा है, तो इसका प्राइस, एवरेज प्राइस जो है वो कितना है, हाईएस्ट प्राइस इसका कितना है, इसका लोएस्ट प्राइस कितना था, और ये बिल्कुल डे वाइज बताता है कि हर दिन इसका प्राइस कितना था और कितना नहीं था। और इसी से मैंने आपको बताया कि इसका एवरेज प्राइस है ना, वो ऑलमोस्ट 1150 से लेकर 1200 के बीच में इसका एवरेज प्राइस है। आप अगर ख़रीदना चाहो तो आप इसको ख़रीद सकते हो। आप देख सकते हो लास्ट 90 डेज में इसका एवरेज प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 1200 रुपये है, और 180 दिन के अंदर भी देखे तो इसका 1200 है। बट हाँ, अगर मैं इसको ईयरली खोल दूं यानी ऑल पे लेकर जाऊं, तो मैंने एक बात नोटिस करी है कि अक्टूबर में इसका प्राइस 1000 से नीचे हो जाता है। यहाँ पर भी देखो 1000 से नीचे हो गया इसका प्राइस, और यहाँ पर भी अगर मैं अक्टूबर के अंदर आऊं ना, तो इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल 1000 के नीचे हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप इसको अभी परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो, और आपको अगर रुकना ही है तो 2 महीने रुक सकते हो, क्योंकि अक्टूबर में इसका प्राइस कम होने वाला है। अब आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोया का माइक ख़रीदा है, ठीक है। कब ख़रीदा है, 15 तारीख को मैंने इसको ऑर्डर किया था। अभी आपने ये देखा कि 15 तारीख को इसका प्राइस जो था वो हाई पे था, यानी इस घड़ी का प्राइस जो है वो 15 तारीख को, 15 अगस्त को कितना था, 1700 रुपये था, ठीक है।
1700 रुपये था 14-15 तारीख को इसका प्राइस, बट कुछ चीज़ों के प्राइस एक्चुअल में 14-15 तारीख को घटते हैं, जिसमें से एक ये था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोया का माइक दिखाता हूँ। तो ये बोया का माइक आपको दिख रहा होगा और आप देखोगे ना 2 दिन में इसका प्राइस बढ़ गया। तो ये जो बोया का माइक है ये मैंने ख़रीदा था, अभी इसका प्राइस दिखा रखा है 700 रुपये। ठीक है, और कल जो इसका प्राइस था वो 705 रुपये था। और जब मैंने ऑर्डर किया था, यानी कल से पहले जब इसको ऑर्डर किया था, यानी परसों, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, तो इसका प्राइस जो था वो 640 रुपये था। अब मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, और मैंने इसका एवरेज प्राइस भी देखा था। ठीक है, ये हम एक काम करते हैं, वीक से लगा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ, यानी 15 अगस्त को ख़रीदा था, यानी मैंने इसको ऑर्डर वगैरह किया था। मेरे को पता था कि ये बेसिकली ये जो प्राइस दिखा रहा है ना, इसका एवरेज प्राइस है। ठीक है, इसका एवरेज प्राइस जो है वो 703 रुपये दिखा रहा है। तो मेरे को ये बात पता थी कि अगर मेरे को ये जो प्रोडक्ट है ये 640 रुपये में मिल रहा है इस टाइम 15 अगस्त को, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर डील है, और इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। ठीक है, और इसके जो ये है ना, एक्चुअल में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर आप देखोगे कि एवरेज प्राइस कितना है और मेरे को कब रुकना चाहिए कब नहीं रुकना चाहिए, और मान लो कोई फेस्टिवल सीज़न है, जैसे अक्टूबर में प्राइस कैसे कम हो जाता है आपको पता है, दिवाली वगैरह का सीज़न आ जाता है, तो किस चीज़ों का प्राइस एक्चुअल में कम हो जाता है दिवाली पे, अगर एक्चुअल में कम हो जाता है तो आप उसके लिए दिवाली तक वेट कर सकते हो, और नहीं होता तो एवरेज प्राइस देखकर आप उसको परचेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। ठीक है, इसको कहते हैं जी कैपा। ठीक है, कीपा भी कहते हैं इसको। और ये है क्या कीपा, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लेना, आपको लगा होगा ये इंस्टॉल करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है, अच्छा एक और बात है, गूगल क्रोम पे ही आप कर सकते हो, यानी जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है आप गूगल क्रोम पे ही देख सकते हो। एक और एग्जांपल लेने के लिए मैंने वीवो का खोला था, बट आई होप ये बात आप समझ गए हो। जैसे इस टाइम वीवो के फ़ोन का प्राइस जो दिखा रखा है वो 23,200 दिखा रखा है, और इसका जो अगर हम एवरेज प्राइस देखें तो वो भी ऑलमोस्ट 23,000 ही है। थोड़ा सा अगर रुकोगे एक दो दिन तो शायद थोड़ा सा कम हो जाए, बट ठीक है 23,200 इसका एवरेज प्राइस है, तो आप अगर ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। बट शायद वैसे इसका प्राइस जो है वो क्योंकि इसमें पूरा नहीं है, 600 उसका दिखा रखा है, तो अक्टूबर में देख लेते हैं इसका प्राइस जो है वो कम हुआ नहीं हुआ। नवंबर में तो इसका प्राइस 24 था क्योंकि स्टार्टिंग में नया नया लॉन्च हुआ था, बट हाँ अक्टूबर में इसका प्राइस 23,000 ही है, तो इसमें दिवाली का इतना ज़्यादा ही सहमत, क्योंकि पुराना मॉडल है तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला। तो देखो ये बात आपको पता चल गई कि पुराने फ़ोन पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला। अगर हम बात करें अमेज़ॉन की जो डील आती है, बिग बिलियन डे या ऐसा कुछ आता है, तो बिग बिलियन डे तो शायद फ्लिपकार्ट का होता है, बट आप समझ गए हैं ना। चलो अब ये डाउनलोड कैसे कर सकते हो आप, आपको सीधा जाना है गूगल क्रोम पे, और याद रखना गूगल क्रोम आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होना चाहिए। आपको लिखना है जी कीपा, ठीक है, कीपा एक्सटेंशन लिख देना आगे। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आ गया कीपा एक्सटेंशन, आप देखो इसका नाम ये कीपा अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर है ना आपका लिखा आएगा डाउनलोड, बस इस पर क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो खुद ही डाउनलोड हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने इसको ऑब्वियसली डाउनलोड करा है, तभी तो मेरा ये प्राइस वगैरह का फ्लक्चुएशन वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, आपको बेसिकली क्लियर हुआ होगा कैसे आप अपने थोड़े से पैसे बचा सकते हो। ओके, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं। मैं इतना नहीं मंगवाता, बट फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि यार अगर आप कुछ भी मंगवाते हो तो पहले, जैसे कि ये तो सिर्फ अमेज़ॉन का दिखा रखा है, बट हाँ फ्लिपकार्ट से भी कंपेयर किया करो प्राइस, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है, लैपटॉप वगैरह या फ़ोन वगैरह, थोड़े से आपको सस्ते मिल सकते हैं किसी किसी जगह पर। और अगर मैं बुक्स की बात करूं तो अमेज़ॉन जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है बुक के लिए, यहाँ पर बहुत सस्ती बुक्स वगैरह आपको मिलती है, और बाकी थोड़ी चीज़ें मतलब कंपेयर करके करना। ठीक है, पहले अमेज़ॉन को फ्लिपकार्ट से करना, फिर अमेज़ॉन के अंदर ही देखना कि एवरेज प्राइस क्या है क्या नहीं है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, कुछ काम आई हो। बाकी मैं मेन पॉइंट टेक पे ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो आप फ़ोन से कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से कैसे बना सकते हो, या कंप्यूटर से पीसी से, दोनों की वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो जाकर देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, अभी 1.5 महीने पहले देखे ना तो मेरे दिन के 300-400 व्यूज़ आते थे, अभी जो है वो दिन के 6,000 व्यूज़ पहुँच रहे हैं। तो ये किस वजह से पहुँच रहे हैं, ये सिर्फ यूट्यूब एसईओ की वजह से पहुँच रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो इससे फ़ायदा होता है नहीं होता, यूट्यूब एसईओ क्या होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, और भी बहुत सारी, जैसे जोमेटो से मैंने कैसे अर्न किए, वेबसाइट से कितनी अर्निंग आती है कितनी नहीं आती, जिसको नहीं पता मेरी मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट भी है। तो बाकी सारे हमारे अलग अलग चैनल भी हैं, जाके आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।